नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी .com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में लिप्त जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पार्टी महासचिव केआर शिव कुमार ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा के पोते और एचडी कुमार स्वामी के भतीजे हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर हम एक फैसला ले रहे हैं, हम उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। चाचा होने के नाते ही नहीं बल्कि देश का आम नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि लोग इससे आगे बढ़ें। ये एक शर्मनाक घटना है और मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा है। सरकार कौन चला रहा है, असली तस्वीर उन्हें उजागर करनी है और ज़मीनी हकीकत सरकार को उजागर करनी है, मुझे नहीं। प्रज्वल रेवन्ना मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मामले में जवाब देना होगा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी सब पता होने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने जाते हैं और वोट मांगते हैं। बीजेपी वालों, इसको लेकर तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने देश का प्रधानमंत्री होते हुए प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट कैसे मांगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी हमेशा प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी का जेडीएस के साथ गठबंधन है। प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए कि ये हरकत कोई मुसलमान करता तो क्या होता। मैं जो बोल रहा हूँ वो टीवी पर तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा। रेवन्ना की जगह कोई अब्दुल होता तो टीवी चैनल वाले हल्ला कर देते, ऐसा दिखता कि सही में कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ बंगाल सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर ये दंगाई यूपी में दंगा करते तो इनको उल्टा लटकाकर ठीक कर देता और ऐसा हाल कर देता कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। आज बंगाल लहू लुहान और दिशाहीन क्यों है, जिसने देश को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दिया था, जिस बंगाल ने गर्व से हिंदू कहना सिखाया था, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल में कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न बंगाल सरकार से पूछने आया हूं। आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। बंगाल को दंगों की आग में झोंकने का काम हो रहा है। बंगाल आज साजिश का शिकार हो चुका है। अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब देवेंद्र यादव को पार्टी का अंतरिम प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस द्वारा इसकी जानकारी आज मंगलवार को दी गई। कांग्रेस ने कहा कि देवेंद्र यादव पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी बोले कि बीते 10 सालों में आपने जब से मुझे काम दिया है, मैंने अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस 60 वर्षों में जो नहीं कर पाई, आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा कि यह चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। आपने 10 साल पहले का समय देखा है, आप आज का समय भी देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात काम करता हूं, वहीं इंडी गठबंधन वाले मोदी को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी से गुस्सा होंगे या नहीं, वो मोदी को गालियां देंगे या नहीं, आजकल ये इसी काम में लगे हैं। इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है, तो एआई के द्वारा हमारे चेहरे का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी की आवाज़ को और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई नई चीज़ें गढ़। कांग्रेस पार्टी इतनी गंगालियत पर पहुंच गई है कि उसको पराजय का भय सता रहा है। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक है। वे कह रहे हैं कि इंसुलिन उन्हें मिल रही है और अब मेरा रूटीन चेकअप भी हो रहा है।
भगवंत मान ने कहा कि मीटिंग तो आज भी मेरी उसी तरीके से हुई, शीशा दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन, उन्होंने मन में रखा हुआ है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे, ये इनकी नफरत की इंतहा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने मुझे संदेश दिया है कि लोगों को ये बता देना कि मेरी फिक्र मत करना और वोट जरूर करना, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना, तानाशाही जो देश में आ गई है उसे खत्म करने के लिए वोट डालना। भगवंत मान ने आगे कहा कि केजरीवाल ने उनसे पंजाब के किसानों और लोगों के बारे में भी पूछा कि उन्हें कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। आम आदमी पार्टी के विरोध और चुनाव प्रदर्शन से बीते डेढ़ महीने से गायब राघव चड्ढा को लेकर पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि राघव अपनी आंखों की सर्जरी के लिए यूनाइटेड किंगडम में रुके हुए हैं। बताया जाता है काफी गंभीर समस्या थी, ब्लाइंडनेस भी हो सकती थी। मुझे लगता है कि जैसे ही इलाज हो जाएगा वो आएंगे और हमारे कैंपेन में शामिल हो जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियोस को लेकर विवाद जारी है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को लिखे लेटर में कहा कि हम मामले की निंदा करते हैं, ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हमें 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दें। लोकसभा चुनाव से पहले जारी तीखी बयानबाजी के बीच संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, यह आत्मा जो दिल्ली और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में आती है वह बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है। राउत ने कहा कि यह इसलिए भटक रही है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है, इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। संजय राउत ने आगे प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग रचने वाली पार्टी है। कर्नाटक में 2800 वीडियो वायरल हो गए हैं एक व्यक्ति के जो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है देखिए, उनके परिवार के सदस्य 2800 बलात्कार करते हैं, इतना बड़ा परिवार है और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। इस प्रकार का काम अगर कोई कर सकता है तो वह भटकती आत्मा ही कर सकती है और मोदी जी वह कर रहे हैं। एक बलात्कारी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले एक व्यक्ति के लिए मोदी वोट मांगते हैं और मोदी जी को इस बारे में दिल में कोई दुख नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मामले पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के मामले में पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा देश की मातृशक्ति के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा का रुख स्पष्ट है, हमारी पार्टी देश की मातृशक्ति के साथ है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम इस मामले में कार्रवाई के समर्थन में हैं और हमारी सहयोगी पार्टी जेडीएस भी इसका समर्थन करती है और आज उनकी कोर कमेटी की बैठक है जिसमें उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर जनता के बीच एक भ्रांति पैदा करना चाहती है, मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात पीएम मोदी ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है तो वह कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि असम पुलिस ने रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रीतम सिंह ने अमित शाह से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। इसी फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी समन भेजा है। उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने आज असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है या नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना कन्फ्यूजन ये दिखाता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। यूपी में आज जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 मई है और कांग्रेस ने अभी तक दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।